हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिसीजन। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग उस फिनोमिना के बारे में पढ़ेंगे जिसकी वजह से हम ये खूबसूरत सी दुनिया को देख पाते हैं। हम देख पाते हैं सन, रेनबो, ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स, सारी चीजें जो हम देख पा रहे हैं ये किसकी मदद से? लाइट की मदद से। तो बच्चों, नोटबुक निकालिए और आज का टॉपिक डालिए लाइट। इस टॉपिक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे लाइट के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हम अलग अलग तरह के मिरर के बारे में पढ़ेंगे और उनसे कैसी इमेजेस बनती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला, फिर हम जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम जानेंगे लेंस फॉर्मूला क्या होता है और कैसे इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, फिर हम पढ़ेंगे पावर ऑफ लेंस। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी से घर लौट रहे हैं। जैसे ही आप घर लौटते हैं तो आप देखते हैं कि आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, चारों तरफ अंधेरा है। तो आप क्या करते हैं? लाइट का स्विच ऑन करते हैं। लाइट ने यहाँ पर क्या किया होगा? आपको एक सेंसेशन ऑफ विजन प्रोवाइड किया होगा, आपको देखने की क्षमता प्रोवाइड करी होगी। तो लाइट क्या है? एक तरह की एनर्जी है दैट कॉजेस सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक, अब लाइट, हमने बोला कि लाइट एक तरह की एनर्जी है। लाइट एनर्जी है, तो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वेव का यूज करेगी। अब ये वेव कौन सी होना चाहिए? ऐसी वेव होना चाहिए जो वैक्यूम के साथ साथ मटेरियल मीडियम में भी ट्रेवल कर ले। ऐसी वेव होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सन से अर्थ तक जो लाइट आ रहा है, पहले वो सन से अर्थ के एटमॉस्फेयर तक आ रहा होगा, उसमें पूरा का पूरा वैक्यूम होगा। लाइट को अर्थ के एटमॉस्फेयर तक आने के लिए वैक्यूम में ट्रेवल करना है, और अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एक मटेरियल मीडियम है जिसके अंदर अलग अलग ऑक्सीजन, कार्बन और भी कई तरह के मॉलिक्यूल्स, एटम्स होंगे। तो लाइट हमारा किस में चला? वैक्यूम में भी और मटेरियल मीडियम में भी। तो लाइट कौन सी वेव है? एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब हम जानते हैं कि ये लाइट के नेचर क्या क्या होते हैं। लाइट दो तरह के नेचर शो करता है, एक होता है पार्टिकल नेचर और एक होता है वेव नेचर। जब हमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऐसे फिनोमेना को डिस्क्राइब करना होता है तो हम लाइट का पार्टिकल नेचर लेते हैं, और जब हमें डिफ्रैक्शन और इंटरफियरेंस समझाना हो तब हम वेव नेचर लेते हैं। तो लाइट पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है, इसलिए लाइट को हम बोलते हैं कि ये ड्यूअल नेचर है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये एक बॉल है और ये एक बॉल है, टेनिस बॉल है। इसको हमने दीवार की साइड जब फेंका तो क्या करेगा? दीवार से ये टकरा कर वापिस इसी मीडियम में आएगा। ठीक, तो इसी तरह से हमारा लाइट भी होता है। मान लो ये एक शाइनी सरफेस है, मेटल का एक हमने छोटा सा टुकड़ा लिया, इसके ऊपर लाइट को इंसिडेंट करा है, तो क्या होगा? जैसे हमारी बॉल ने दीवार से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होके सेम मीडियम में, वैसे ही हमारा लाइट भी होगा, वो भी इस मेटल से टकराने के बाद सेम मीडियम में क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। तो देखो, जो रे इस सरफेस पर टकराई इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो रे इससे टकराने के बाद बाहर निकली उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। हम किसी भी सरफेस पे अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसे हम बोलते हैं नॉर्मल। अब हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक परपेंडिकुलर डाला जो सरफेस से 90 डिग्री बनाएगा, उसे हम बोलते हैं नॉर्मल। अब जो हमारा इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब ये हुई हमारी इंसिडेंट रे और ये हुआ हमारा नॉर्मल, तो इन दोनों के बीच का जो ये वाला एंगल है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, तो हमने क्या क्या पढ़ा? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब हम देखते हैं कि हम चीजों को कैसे देख पाते हैं, हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स। तो बच्चों देखो, जैसे ही कोई लाइट ऑन होता है
हमें रूम की सारी चीजें दिखाई देने लगती है। मान लो यहाँ पर एक सोफा रखा हुआ है और एक लाइट यहाँ पर ऑन है, तो लाइट क्या करेगा, इससे कुछ रेज आएगी जो इस सोफे पर टकराएगी, और इस सोफे पर टकराने के बाद वो सोफे से टकरा कर आपकी आंखों पर आएगी। जो रेस आपकी आंखों के अंदर गई, उन रेस की वजह से आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी देखते हैं। मान लो ये एक मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है। इस पे यहां से मान लो कोई एक लाइट इंसिडेंट हो रहा है, ये इस पे इस तरह से इंसिडेंट होगा, ठीक। अब ये लाइट इस पे जा रहा है, तो हमने इस पे कुछ पॉइंट मेजर कर दिए ताकि हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो जहाँ से लाइट जा रहा है उसे हमने ए पॉइंट दिया, जिस पॉइंट पे वो मिरर से टकरा रहा है उसे हमने बी पॉइंट दिया। अब मिरर से टकराने के बाद ये कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, रिफ्लेक्ट होके जा रहा होगा कहीं पर, ठीक। मान लो इस तरफ वो रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, ठीक। तो हमने जिधर रिफ्लेक्ट होके जा रहा है उस रे को हमने सी पॉइंट दिया और इस पे भी कुछ पॉइंट बना दिए, ठीक। मान लो ये इंसिडेंट रे पे नाम दे दिया पी और क्यू, रिफ्लेक्टेड रे पे नाम दे दिया हमने पी डैश और क्यू डैश। फिर हमने जिस पॉइंट पे बी था वहां पर एक नॉर्मल को ड्रॉ किया, सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल को ड्रॉ किया। हमने देखा कि नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे ए बी हमारी इंसिडेंट रे होगी, ये जो एंगल बना रही है इंसिडेंट, जिसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल किसके बराबर आ रहा है, जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से बना रही है, ये वाला एंगल हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, जिसे हम आर से डिनोट करेंगे। तो क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर आ रहा है, ठीक। तो हमारा फर्स्ट लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो यहाँ पर एक्टिविटी से प्रूफ हो रहा है। अगला देखिए, अगला लॉ बोलता है कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल है, ये एक ही प्लेन पर आ गए। हाँ बिल्कुल, इस बोर्ड पे पूरे के पूरे तीनों रे आ गए। तो हमारा पहला लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो ये दोनों प्रूफ हो रहे हैं, ये इनकमिंग लाइट है इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, ठीक, रिफ्लेक्टेड रे से बोलेंगे, और ये हमारा हुआ नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा आर। अब एक छोटी सी चीज देखते हैं हम, मान लो ये एक हमारा मिरर है, इस पे कुछ लाइट इस तरह से इंसिडेंट हो रही है और ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, ठीक। इस पॉइंट पे हमें नॉर्मल डालना है, ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ये आई होगा और ये आर होगा, जो कि हमारा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा, ठीक। अब हमने क्या किया, एंगल आई को और छोटा किया, इसको छोटा करेंगे इस एंगल को, तो ये क्या होगी, रे और पास में आ जाएगी, यहां पर आ गया हमारा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे भी पास में आ जाएगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हमारे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे पास में आ गई, और हमने पास में किया तो इसको इंसिडेंट रे को किस पे ले आए, नॉर्मल पर ही ले आए, मतलब हमारी इंसिडेंट रे अब ये है। जब इंसिडेंट रे ये है तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, जो एंगल इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है, एंगल आई क्या होगा यहाँ पे, जीरो। अगर एंगल आई जीरो है तो एंगल आर क्या होगा यहाँ पर, जीरो। तो देखो यहीं पर ये इंसिडेंट रे भी है और यही हमारी रिफ्लेक्टेड रे भी है, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, जब कोई लाइट रे नॉर्मल पर आ रही हो, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर आ रही हो, तो क्या होगा, वो उसके पाथ को रिट्रेस करेगी, वही उसका इंसिडेंट रे और वही उसकी रिफ्लेक्टेड रे होगी, और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, जीरो। अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन के टाइप्स। रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है, जो हमारा सरफेस होता है वो प्लेन होता है। अगर मान लो प्लेन सरफेस पर कोई पैरेलल बीम जब इस सरफेस पे टकराता है, तो
जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो भी पैरेलल ही होती है, लेकिन जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है इसे हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। उसमें क्या होगा, अगर हमारी इंसिडेंट रे पैरेलल होगी तो वो इस रफ सरफेस से टकराने के बाद जरूरी नहीं है कि पैरेलल जाए, वो हमेशा क्या होगी अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये इंसिडेंट रे तो पैरेलल है और रिफ्लेक्टेड रे कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई कहीं जा रही है, ठीक। लेकिन दोनों के अंदर जो हमारा लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन है वो वैलिड रहेगा। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, ठीक। ये इंसिडेंट रे है, ये कितना एंगल बना रहा है मिरर से, थीटा, ठीक है, विद ए, ठीक। इफ द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 80 डिग्री, इंसिडेंट रे ये रही, रिफ्लेक्टेड रे ये रही, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 80 डिग्री, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, हमें क्या बताना है ये थीटा। हमारी इंसिडेंट रे कौन सी हुई आई ओ, और हमारी रिफ्लेक्टेड रे कौन सी हुई ओ आर। हमारा एंगल आई ओ एन जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा, और एंगल हमारा एन ओ आर जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल आर के बराबर होगा, ठीक। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से हमने देखा एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होगा, ठीक। और हमें एंगल आई प्लस एंगल आर जो कि हमारा क्या होगा एंगल आई ओ आर, इसकी वैल्यू कितनी दी है 80 डिग्री, ठीक। हमने ये वाली इक्वेशन को यूज किया फर्स्ट वाली को, वहां से क्या हुआ एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, तो यहाँ पे एंगल आर को एंगल आई लिख दूं, तो एंगल आई प्लस एंगल आई इक्वल्स टू 80 डिग्री लिख दिया। एंगल आई प्लस एंगल आई ट्वाइस ऑफ एंगल आई इक्वल्स टू 80 डिग्री, तो एंगल आई हमारा कितना आ गया 40 डिग्री, ठीक है। एंगल आई की वैल्यू कितनी आ गई 40 डिग्री, बिल्कुल ठीक है। हमें निकालना है एंगल पी ओ आई निकालना है, ठीक। जो हमारा एंगल पी ओ एन है, एंगल पी ओ एन है वो कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि हमारा एन ओ क्या है नॉर्मल है, ठीक, ये 90 डिग्री हुआ, ठीक। हमारा पी ओ आई एंगल ये हमारा थीटा के बराबर है, एंगल पी ओ आई प्लस एंगल आई इंसिडेंट कितना है आई ओ एन इक्वल्स टू कितना है हमारा 90 डिग्री। एंगल पी ओ आई थीटा है प्लस एंगल आई इंसिडेंट एंगल, हमारा ये वाला इंसिडेंट एंगल कितना है आई ओ एन, ये है हमारा 40 डिग्री, एंगल आई हमारा आ गया था 40 डिग्री, ठीक। तो हमारा ये टोटल कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक। यहाँ से हमारा थीटा कितना आया 90 माइनस 40, तो ये हमारा कितना आ गया 50 डिग्री आ गया, तो हमारे थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों की मदद के लिए शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें।